चलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बात करने। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर माननीय न्यायालय की सुनवाई 1 दिसंबर 2022 को हुई थी, जिसका जजमेंट 11 जनवरी 2023 को आई, जिसकी जजमेंट की कॉपी 12 जनवरी 2023 को पूरे भारतवर्ष में 82 पिटिशनर का मैंने जो है सर्कुलेट किया था। उसके बाद सरकार ने 8 वीक की टाइम मांगी थी माननीय न्यायालय से, और फिर उसके बाद माननीय न्यायालय से दोबारा माननीय सरकार जो है 12 वीक का टाइम मांगी थी। सोशल साइट पे गलत तरीके से एक पोस्ट बनाया गया जो सरकार विरोधी है, जिसमें लिखा गया है कि सरकार CAPF तमाम पैरामिलिट्री फोर्स का नाम लिखा गया है, और ये बताया जाए कि सरकार अब अंत दवा मानी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। देखिए, बहुत बड़ा देश में जो है षड्यंत्र रचने का काम किया जाता है सरकार को गिराने के लिए, सरकार की छवि धूमिल करने के लिए। जबकि सरकार, कोई भी सरकार हो, सरकार अपनी नीति निर्देशक सिद्धांत जो बने हुए हैं, जो ढांचा बना हुआ है संवैधानिक, उस ढांचा पे काम करती हो, चाहे कार्यपालिका की हो या चाहे न्यायपालिका की हो, चाहे आपकी विधायिका की, ये अपने अपने ढांचों पे तमाम चीज़ें काम करती है। लेकिन फिर भी देश में इस प्रकार से सोशल मीडिया पे दिग्भ्रमित पोस्ट करना, लोगों को गलत गाइड करना, कहीं ना कहीं साइबर अपराध में आता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके मोबाइल पे, अगर CAPF मेंबर हैं या कोई भी देश के गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं, कोई मैसेज आपको भेज देता है और हम पढ़ के आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। साइबर अपराध अधिनियम 2008 के तहत आप अपराधी हैं, 66D के तहत आप पे मुकदमा दर्ज कर सकता है, इसमें आपको डिटेन भी किया जा सकता है। लेकिन मेरा कहने का स्पष्ट तरीका ये है कि हम बिना जांचे, बिना सोचे, बिना समझे किसी के द्वारा गलत दिग्भ्रमिता समाज में फैला दी जा रही है, उस मैसेज को उठा के हम तरह तरह तमाम CAPF पैरामिलिट्री फोर्स के ग्रुप मोबाइल पे किसी ना किसी माध्यम से शेयर कर देते हैं, जबकि ये सब गलत है। आप लोग उसकी सत्यता को जांचने की कोशिश करें। कोर्ट केस मैं लड़ रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, मेरा केस चल रहा है माननीय न्यायालय में, जिसमें 23 मार्च को हमें जजमेंट मिला कि आपको जो है 1 दिसंबर की सुनवाई के आधार पर आपको भी ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाएगा, आप सशस्त्र बल है, आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया है, और इस तरह का पूरे पैरामिलिट्री फोर्स को आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया है, तो जो मिलेगा। फिर भी माननीय न्यायालय से जो टाइम सरकार ने मांगा है उसके अनुसार सुनवाई होगी, केवीएट कंटेम्प्ट डालने का काम किया जाएगा, ना कि झूठ मूठ के SLP के बारे में चर्चाएं कर देना कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट गई, और इस प्रकार से सोशल मीडिया वायरल करना कहीं ना कहीं आपराधिक श्रेणी में आता है। माननीय न्यायालय से में लड़ा जाएगा, न्यायिक ढंग से उसको लिया जाएगा, ना कि झूठ मूठ के फॉरवर्ड करके, दूसरे किसी को दिग्भ्रमित करके, दूसरे के मन को ड्यूटी में खलल डाल के, दूसरे किसी के मन में घृणा पैदा करके सरकार के विरुद्ध, ये कहीं ना कहीं गलत श्रेणी में आता है। मेरा कोई मतलब नहीं है, हक अपने हक के लिए लड़ना कोई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आप हमें दोगे, जिसको देना है वो पता है किसको देना है, किसको लेना है, कब लेना है। अपने हक के लिए लड़ना भी कोई जो है गलत नहीं है, लेकिन लड़ना न्यायिक ढंग से लड़ना है, न्यायपालिका को रख के रखना है, अपने ड्यूटी को बेहतर ढंग से करना है, सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है, और जिसके लिए आपको भत्ता सरकार देती है, तो सरकार जब देती है तो सरकार के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए, ना कि सरकार के प्रति हम गलत मैसेज को सर्कुलेट करें। मेरा इस पे पहले भी स्टैंड क्लियर रहा है कि जो साइबर अपराध एक्ट अधिनियम है वो आपको इसीलिए इम्प्लीमेंट किया गया, फिर वो 2008 में तो इम्प्लीमेंट किया गया ही, उसमें 14 में भी कुछ इम्प्लीमेंट किए गए हैं, तो इसलिए कभी भी किसी मैसेज को देखने के बाद आप जो है जल्द से जल्द शेयर ना करें।